हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की मुख्य मांगों के संबंध में राजरत ग्राम धुम्बली में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की मुख्य मांगे निम्नानुसार है। मांग नंबर एक, आकली एवं कोटड़ा ग्राम पंचायत की ओरण व गोचर भूमि को खनन से मुक्त रखे व तत्काल प्रभाव से सीमा जाने करावे एवं गोचर भूमि में जहां खनन कार्य किया उन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। मांग नंबर दो, भाड़वा से आकली ग्रामीण सड़क का नवीनीकरण व चौड़ाई बढ़ाई जाए। मांग नंबर तीन, RSMML द्वारा अवैध रूप से खनन की गई गोचर भूमि की क्षति पूर्ति हेतु जिस पंचायत की भूमि खनन की गई है उसी पंचायत में तालाब व गांव के समीप क्षति पूर्ति की जाए। मांग नंबर चार, RSMML द्वारा जिस पंचायत क्षेत्र की गोचर भूमि खनन की गई भूमि की चारगा विकास शुल्क प्रभावित ग्राम पंचायत के खाते में हस्तांतरित किया जाए। मांग नंबर पाँच, कार्य किया जा रहा है उसमें RSMML द्वारा कोयला खनन प्रभावित किसानों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिलवाया जाए। मांग नंबर छह, सन 2011 में RSMML द्वारा तृतीय फेंस में आवप्त की गई भूमि की RSMML के अधिकारियों द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर परिसंपत्तियों का ब्याज सहित भुगतान किया जाए। मांग नंबर सात, खनन कार्य से प्रदूषण हो रहा है, खनन कार्य से उत्पन्न धुआं व राख से विभिन्न प्रकारों की बीमारियों के स्थानीय ग्रामीण ग्रसित हो रहे हैं, इसके लिए RSMML द्वारा प्रभावित क्षेत्र में सामुदायिक चिकित्सालय खोला जाए। मांग नंबर आठ, RSMML द्वारा CSR की राशि से प्रभावित पंचायत में विकास कार्यों पर खर्चा किया जाए। मांग नंबर नौ, जब तक हमारी मांगों का सम्मानजनक समाधान नहीं होगा तब तक आमजन का धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा राम मेघावल की रिपोर्ट।